आज मुझे एक बात पता चली है कि मैडम का आज बर्थडे है, तो उनको मैं हैप्पी बर्थडे बोलता हूँ। डीमार्ट दिख रहा है, बहुत ही बड़ा डीमार्ट सेंटर है नवी मुंबई का। पर थोड़ा मैं सरप्राइज हो गया जब पैसेंजर को यहाँ पे ड्रॉप किया तो उन्होंने मुझे कहा कि ट्रिप एंड करवा दीजिए। तो ठीक है, अभी देखते हैं कभी बुकिंग लगेगी नेक्स्ट, ट्राई करता हूँ या फिर एफ टी जाना पड़ेगा जो भी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज के मेरे नए व्लॉग्स में आपका स्वागत है। दोपहर के 12:30 बज चुके हैं, 12:35, और अभी मैंने डीजल डलवाया, आपने देख लिया। और कुछ देर वेट करने के बाद अभी पहली मुझे बुकिंग लगी है, तो अभी पैसेंजर के पिकअप पॉइंट पे चला जा रहा हूँ। थोड़ा लेट हो गया आज निकलने के लिए, तो आज आप रोज़ देख ही रहे हो कि मैं 12:30-1 बजे घर पर पहुँचता हूँ, उसके बाद मैं अपना ये वीडियो एडिटिंग करता हूँ, फिर अपने काम के लिए लग जाता हूँ। तो अभी 1 किलोमीटर के पास पैसेंजर को पिकअप करना है, तो चलो चलते हैं, पैसेंजर को पिकअप करते और अपने डेस्टिनेशन पे निकलते। ये मिनी बुकिंग है, देखते हैं इसका कितना अर्निंग होगा, कैश में शो कर रहा है। तो चलो चलते हैं पैसेंजर के पिकअप पॉइंट, चलो चलते हैं। हम लोग सर मैडम हम लोग जा रहे पेन की तरफ, यहाँ पे एक गेस्ट हाउस है, तो हम लोग इस सर को ड्रॉप कर देंगे। और आज मुझे एक बात पता चली है कि मैडम का आज बर्थडे है, तो उनको मैं हैप्पी बर्थडे बोलता हूँ। और आज का दिन बहुत ही अच्छा चला जाएगा, और बहुत दिनों के बाद आज ये बाहर निकले, मुझे लग रहा है कि आज बर्थडे बहुत ही अच्छी तरह सेलिब्रेट करेंगे। हाँ। क्या कहना चाहोगे मैडम आप? और ये सर तुमसे नाम? रोहित जाधव। रोहित जाधव ये भी पनवेल में रहते हैं, और हम लोग अभी बातचीत निकल रही थी तो इनको मैंने बता दिया कि मेरा यूट्यूब चैनल है, तो ये लोग ज्वाइंट हो गए, तो अभी इनको यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ और फिर आपको अपडेट दे देता हूँ। तो फिर एक बार मैं मैडम को हैप्पी बर्थडे बोलना चाहता हूँ, आप सब लोग भी हैप्पी बर्थडे बोल देना। चलो थैंक यू वेरी मच। और ऐसे ही आपने विनय मोरे सर को आप सब्सक्राइब करो और उनको अच्छे से ऐसा लाइक करो और उनको आगे बढ़ाओ, यही हमारी दुआ है। थैंक यू, थैंक यू, बाय बाय। हम लोग अभी हमारे डेस्टिनेशन पे पहुंच चुके हैं, और सर को और मैडम को सही सलामत पहुंचा दिया। ये किंग्स रिसोर्ट है, यहाँ पे सर आज का दिन और एंजॉय कर पाएंगे, और अब इनको फिर से एक बार हैप्पी बर्थडे। और सर कैसा लगा आपको ट्रिप? बहुत बहुत अच्छा लगा, और थैंक यू आपको जो आपने हमें अच्छा सफ़र किया दिखाया, अच्छा दिखाया। चलो मिलते हैं फिर, कभी ज़रूरत हो तो फ़ोन कर लेना मुझे। ओके, ठीक है, बाय बाय, टेक केयर। मैं पेन पनवेल हाईवे पे हूँ, पैसेंजर को यहाँ पे ड्रॉप किया था, और आपको ये सामने दिखता है ना, ये जो ये बादल आ चुके हैं दिख नहीं रहा है, ये बहुत ही अच्छा कर्नाड़ा फोर्ट है, यहाँ पे ट्रैकिंग के लिए लोग आते हैं, और बहुत ही अच्छा क्लाइमेट है यहाँ का, आप देख सकते हो। बादल की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है,
अभी यहाँ से मुझे बुकिंग मिलेगी कि नहीं मिलेगी पता नहीं है, पर आपको जानकारी दे दूंगा। चलो घाट के ऊपर बंदर, बहुत सारे बंदर होते हैं, आपको दिखाई देता रहेगा। ये देखिए बंदर ऊपर भी बैठे हैं, ऊपर चल रहे हैं, यहाँ पे पूरा ग्रुप में बैठे हैं। ये देखिए ऊपर बंदर, एक सिंगल यहाँ पे बैठा। इस वक्त मैं अभी पनवेल पहुंच चुका हूँ और मुझे थोड़ा 6 किलोमीटर आगे आने के बाद ये बुकिंग लगी है, 6-7 किलोमीटर। मुझे पता था कि पीछे से बुकिंग नहीं लगेगी तो इसके लिए आगे आ चुका था, तो अभी बुकिंग लगी है। डी मार्ट है यहाँ पे, परसपा फटाके यहाँ पे, तो वहाँ से पैसेंजर को पिकअप करना है। और जा रहा हूँ पिकअप पॉइंट पे। रास्ते की हालत बहुत ख़राब है, कैमरा हिल रहा है हर वक्त, तो आपको पैसेंजर को पिकअप करके मिलता हूँ। डीमार्ट दिख रहा है, बहुत ही बड़ा डीमार्ट सेंटर है नवी मुंबई का, और यहाँ से अभी पिकअप करना है पैसेंजर को। अभी कहाँ पे खड़े रहेंगे पता नहीं है, देखना पड़ेगा। इस वक्त मैं अभी बेलापुर में हूँ और पैसेंजर को मैंने डीमा स्टोर पे ड्रॉप किया। जैसे आपने देखा था कि परसपा फाटा पे डीमा स्टोर है, वहाँ से उनको ड्रॉप करने पिकअप किया और ड्रॉप कर दिया डीमा स्टोर पे। ये 19 किलोमीटर का था। इसके पहले भी जो मैंने ड्रॉप किया था कर्नाड़ा के आगे, वहाँ पे भी जो किलोमीटर थे 17 से 18 किलोमीटर था, और दोनों का भी कोइंसिडेंसली मुझे 230 रुपये का अर्निंग किया गया है। जो पहला मैंने ड्रॉप किया था उसका 320 रुपये बना था और 230 रुपये दिया गया 17 किलोमीटर के लिए। फिर से डीमार्ट से मैंने डीमार्ट तक जो ड्रॉप किया उसका 312 रुपये बिल बना था और 230 रुपये दिया 19 किलोमीटर के लिए। ये दोनों भी मिनी थे क्योंकि प्राइम बुकिंग नहीं मिल रही थी, इसकी वजह से मैंने ये डिसीजन लिया कि मैं मिनी में चला। तो अभी मैं यहाँ पर आया हूँ। अभी दोपहर के आप देख सकते हो कि 3:15 बज चुके हैं, 3:15। तो अभी मैं खाना खा लेता हूँ और अगले काम के लिए चला जाता हूँ। तो जुड़े रहिए मेरे ब्लॉग के साथ, और अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मिलता हूँ आपको थोड़ी देर के बाद, चलो चलते हैं। आधे घंटे पहले से मैं वेट कर रहा था, 1 घंटा खाना खाने के बाद, पर बुकिंग नहीं लग रही थी। तो अभी ये बेलापुर में होटल पार्क करके है, वहाँ से मुझे बुकिंग लगी है, रेंटल बुकिंग है 4 घंटे के लिए। 4 घंटे के लिए मुझे 1200-1300 का कुछ दिखा है, शो किया है। तो अभी मैं जा रहा हूँ पिकअप पॉइंट पे, पैसेंजर को पिकअप कर लेता हूँ। 4 घंटे तक ऐसा राइड रहेगा रेंटल के लिए, बहुत दिनों के बाद रेंटल बुकिंग लगी है, देखते हैं कितना अर्निंग हो सकता है। तो अभी जा रहा हूँ सर के पिकअप पॉइंट पे, चलो चलते हैं। आगे से यू टर्न लेना पड़ेगा, यहाँ से यू टर्न ले लेता हूँ। सर बाहर ही खड़े हैं तो उनको पिकअप कर लेता हूँ। ये सामने खड़े हैं सर, इनको लेके जाना है, आई थिंक यही है। हाय फ्रेंड्स, अभी मैं बीके से में पहुंच चुका हूँ और मैंने यहाँ पे पैसेंजर को ड्रॉप कर दिया बीके से में। जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे रेंटल बुकिंग लगी है 4 घंटे के लिए, पर थोड़ा मैं सरप्राइज हो गया जब पैसेंजर को यहाँ पे ड्रॉप किया तो उन्होंने मुझे कहा कि ट्रिप एंड करवा दीजिए, मुझे यहाँ पे आप छोड़ देना और मुझे रिटर्न नहीं जाना है करके।
35 किलोमीटर का मेरा राउंड था और उसका जो बिल बनाया 1364 रुपीज़ का बनाया और मुझे अर्निंग 1023 के दी गए, तो थोड़ा मेरे सरप्राइजिंग था ये सब चीज़ कि उन्होंने ये एंड करने के लिए कहा ट्रिप को। और मैं यहाँ पे अभी बीकेसी में हूँ, तो मुझे लगा था कि मुझे फिर से अपने तरफ का गो होम की तरफ का बुकिंग मिल जाएगा, तो मुझे दूसरे बुकिंग के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा। जो भी है अच्छा ही हुआ है मेरे लिए, क्योंकि 35 किलोमीटर के लिए मुझे 1000 का अर्निंग हो चुका है। तो अभी मैं वेट करता हूँ अगली बुकिंग के लिए और देखता हूँ कितना कब तक बुकिंग लगेगी या फिर मैं कितना अर्निंग कर पाऊँगा। टोटल मिला के अभी तक का 1400 का मेरा अर्निंग हो चुका है, आपने देखा ये सुबह से। देखते और कितना तक अर्निंग हो सकता है, जुड़े रहिए मेरे साथ, जल्दी आपको अपडेट देता हूँ। अभी मैं इस वक्त शिवाजी छत्रपति रेलवे स्टेशन के यहाँ पे हूँ। पैसेंजर को चूनाभट्टी से पिकअप किया था और यहाँ पे ड्रॉप कर दिया। ये राइट साइड में आपको दिखता रहेगा, ये स्टेशन है इधर पीछे की तरफ। और यहाँ पे आने के लिए 33 मिनट लग गया, ज़्यादा ट्रैफिक इधर भी नहीं था। और इसका जो बिल बनाया 451 का और मुझे 351 का अर्निंग कर दिया है। तो अभी देखते हैं कब नेक्स्ट बुकिंग लगेगी, या फिर गो होम का फीचर डाल दूंगा या फिर आगे काम कर लूंगा, जैसे भी। अभी ट्रैफिक के ऊपर डिपेंड है कि कितना ट्रैफिक लगेगा करके। तो वेट करता हूँ किसी अच्छी जगह जाके, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। एक डेढ़ घंटे के बाद मुझे बुकिंग लगी है। मैंने गो होम का फीचर डाल रहा था पर बुकिंग नहीं लगी थी घर की तरफ का, पर पनवेल का मैंने डाला था। पर अभी मुझे मुलुंड की बुकिंग लगी है, जो मुलुंड तो मुलुंड, अभी मुलुंड चले जाते हैं। ये रुको, पॉइंट पे चला जा रहा हूँ, देखते हैं कब तक घर पे पहुँच जाऊँगा। अभी 9:20 हो चुके हैं। यहाँ से अभी जाने के लिए मुलुंड को लोग कम से कम 1 घंटा लग सकता है। अभी सिग्नल लग चुका है, अभी उनको पिकअप कर लेता हूँ। चलो चलते हैं पिकअप करते हैं उनको। घर पे ही खड़े हैं आगे वेबसाइट में ये दोनों लेडीज और जेंट्स, ये दोनों खड़े हैं, इनको लेके जाना है। 1:13 ट्रैवल करने के बाद मैं फोर्ट से वीटी से थाना पहुंच चुका हूँ, यहाँ पे आ चुका हूँ। और 35 किलोमीटर का डिस्टेंस था, जैसे मैंने आपको बताया था कि मुझे थाना में मुलुंड जाना था। मुलुंड के टोल क्रॉस करते हैं लेफ्ट साइड में, ये जगह है थाना में और मुलुंड के बीच में ही आता है। तो अभी रात के 10:35 हो चुके हैं, आप देख सकते हो। और यहाँ से अभी मुझे घर जाना पड़ेगा। वहाँ से फोर्ट से तो बुकिंग नहीं मिल रही थी, तो मैंने ये उठा के अपना आगे बढ़ गया, देखा कि आगे बुकिंग मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। तो अभी बहुत टाइम हो गया, मुझे लग रहा है कि 1 बज जाएगा रात को घर जाते जाते। अगर जल्दी बुकिंग मिल गई तो ठीक है, वरना प्रॉब्लम हो जाएगा बहुत ही ज़्यादा, बहुत सारा काम पेंडिंग है। तो अभी तक का 2200 रुपये का अर्निंग हो चुका है, देखते अभी और भी किधर तक पहुँच पाएंगे। तो आपको देता हूँ थोड़ी देर के बाद अपडेट क्या हुआ और कितने टाइम पे मैं घर पहुँच गया, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। अभी मुझे थाना से बेलापुर की नेरुल की बुकिंग लग चुकी है, तो अभी पैसेंजर को यहाँ से मुझे पिकअप करना है। यहाँ से अंदर जाने का रास्ता बहुत नहीं लग रहा है, यहाँ से रास्ता बंद है, कॉल करना पड़ेगा। रात के 12 बज चुके हैं। अभी मैं थाना से नेरुल पहुँच चुका हूँ, पैसेंजर को यहाँ पे ड्रॉप कर दिया नेरुल में, सीउड स्टेशन के बाजू में है। तो यहाँ पे आने के लिए मुझे 20 किलोमीटर के लिए 40 मिनट लगे, 40 से 50 मिनट लग गए यहाँ पे आने के लिए, क्योंकि पूरा रास्ता खाली था, कोई नहीं था इस टाइम पे।
तो इसका जो बिल बना है ऑनलाइन बिल 433 का, पर मुझे कैश कलेक्शन 396 का दिखा है और मुझे 327 का अर्निंग दिया गया है 22 किलोमीटर के लिए। तो टोटल मेरा आज का आप पकड़िए 2500 तक का अर्निंग हो गया 12 घंटे में, जिसमें डीजल मेरा 1000 रुपये का चला गया है, 1500 रुपये की बचत हो गई। और एक टिप मुझे फिर से 100 रुपीस की टिप मिली है, जैसे अभी मुझे सीवुड मॉल से मुझे बुकिंग लगी है पनवेल की तरफ की, पैसेंजर को अभी पिकअप करने चला जा रहा हूँ। उनका कॉल आया था मुझे थोड़ी देर पहले, आप देख सकते हो सामने सीवुड मॉल है। पैसेंजर को अभी मैंने यहाँ पे ड्रॉप कर दिया सीवुड मॉल से, मैंने पिकअप किया था पैसेंजर को रात के 1:15 पे, और मुझे मैंने यहाँ पे उनको ड्रॉप कर दिया। अभी रात के 1:10 हो चुके हैं, आप देख सकते हो 1:10 हो चुके हैं, आपको दिखता होगा अभी देखिएगा 1:10 हो चुके। तो बहुत ही ज़्यादा आज गाड़ी चलाया है, कंटिन्यू गाड़ी चला रहा हूँ, सिर्फ फोर्ट में थोड़ा देर 1 घंटे के लिए रुका था, उसके बाद तो कंटिन्यू भी गाड़ी चला रहा हूँ। और यहाँ का जो बिल बना है 529 मुझे कितना दिया है मैं स्नैपशॉट लगा दूंगा, आप देख लेना, क्योंकि अभी तक मैंने उसको देखा नहीं है और मुझे अभी जल्दी से जल्दी घर पे पहुँचना है। घर पे पहुँच जाता हूँ क्योंकि रात के 1:10 हो चुके हैं, भूख लगी है, खाना भी नहीं खाया है। अभी घर पे जाके अलग से एडिटिंग करना है, सब कुछ काम करना है, काम ख़त्म नहीं हुआ अभी तक। तो आज का दिन बहुत ही अच्छा चला गया, जैसे मैंने सोचा था उसका उल्टा ही हो गया, जब मैंने सोचा था कि बिजनेस नहीं होगा पर बिजनेस हो गया। तो चलो चलते घर पे, गुड नाइट, टाटा, सी यू, टेक केयर, बाय बाय।